देहरादून के बल्लोपुर चौक पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ये मंदिर करीब 150 वर्षों पुराना है, जिससे कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हैं। देहरादून के बल्लोपुर चौक पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर साल 1876 में बनवाया, इससे कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता ये भी है कि श्रावण के महीने में इस मंदिर में अर्चना करने और 101 बेलपत्र चढ़ाने से निसंतान लोगों गोद भरती है। मंदिर के पुजारी आचार्य कमलेश मिश्रा ने बताया कि साल 1876 में भभूति लंबरदार ने इस मंदिर की स्थापना की। काफी पुराना मंदिर है ये, और इसको जो है भभूति लंबरदार हुआ करते थे जो है, हालांकि उनके परिवार के बच्चे हैं अभी जो है, जो आजकल सेवा करते हैं और देख रेख उनकी है ये, और बहुत पुराना मंदिर है ये, कम 150-200 वर्ष पुराना ज़्यादा मंदिर है ये। और पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये, लेकिन यहाँ पर पब्लिक बढ़ी, अच्छे लोगों का जुड़ाव हुआ, अच्छे लोग जुड़े इस मंदिर से जो है, और सबके सहयोग से इस मंदिर का उद्धार हुआ जो है। और आज तो काफ़ी विशेषता है इस मंदिर की जो है, और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं मतलब जो है, और अपनी इच्छा अनुसार भगवान के पास से सेवा करके और फल प्राप्त करते हैं। तो मंदिर यहाँ बहुत हैं, रोज ही मंदिर बन रहे हैं मतलब, लेकिन मेन चीज़ होता है उनकी सेवा भाव का जो है। और वैसे भी तीर्थों की नगरी रही है, कहा गया है कि ये पूरा क्षेत्र ही जो है देवताओं का रहा है, यहाँ पर चारों धाम है ना जो है, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जो है, इसके चारों तरफ जो है लक्ष्मण सिद्धि मानक सिद्धि है, और ये चारों सिद्धियाँ यहाँ पर हैं मतलब जो है, उन सबके बीच में जो है ये शिव मंदिर काफ़ी पुराना है। और ऐसा है काफ़ी मान भाव से यहाँ आकर के निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती है। अगर कोई निसंतान आकर के श्रावण के महीने में हैं भगवान शिव दरबार में एकमात्र केवल 101 बेल पर चढ़ाता है, निश्चित रूप से उसको जो है मनवांछित फल प्राप्त होता है। बल्लूपुर निवासी रेणु का कहना है कि हम यहाँ आते हैं तो सुकून मिलता है, ईश्वर में आस्था हो तो हर परेशानी दूर होती है। जस्ट शिफ्ट हुए, मगर ये मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर आके एक शांति सी मिलती है। हाँ बिल्कुल, अगर सुबह सुबह अगर हम भगवान को याद करें, इवन ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के पूजा कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन हाँ एक मन में अगर हम ईश्वर को रखते हैं अपने, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ईश्वर का हाथ पकड़े रहते हो ना, तो ईश्वर हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखता है, आपको हर मुसीबत से बाहर निकालता है, वो उसका साया हमारे ऊपर रहता है। तो उस मामले में मैं खुद को लक्की मानती हूँ और चाहती हूँ कि भगवान का साया इस पे भी रहे मेरे बेटे पर। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।